नमस्कार दर्शक मित्र, नमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में साई फुटवेयर व्यापारी आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कराते पुलिस ने छापा मारकर एक को दबोचा, एक को वांटेड। नानकवाड़ा पार्टी के तिघरा के बाद अब वलसाड़ नानी खत्रीवाड़ में पुलिस ने सतोड़ियों को पकड़ा है। पार्टी तिगरा के दीपक कुमार देसाई का मुंबई में सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज ने सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा सम्मानित सद्गुरु द्वारा दीपक कुमार देसाई को गौ माता का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। वापी चला में फ्लैट मालिक सहित चार जुवारी जुआ खेलते हुए रुपए 56,000 के सामान के साथ पुलिस ने दबोचा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड़ में साई फुटवेयर व्यापारी आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करते पुलिस ने छापा मारकर एक को दबोचा, एक वांटेड। वलसाड़ जिले में पुलिस ने बुकी के अड्डे पर छापा मारा और सटोरियों को पकड़ा। नानकवाड़ा पार्डी तिगरा गांव में बुकी का बड़ा नेटवर्क होने के बाद वलसाड़ सिटी पुलिस की टीम को वलसाड़ नानी खत्रीवाड़ क्षेत्र में स्थित साई फुटवेयर की दुकान में आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा खेला जा रहा था, इसकी जानकारी मिली। इसके चलते वलसाड़ सिटी पुलिस ने वहां छापा मारा। इस छापे में उन्होंने दुकानदार अनिल देवीदास मंगवाणी को मोबाइल पर सट्टा खेलते हुए पकड़ा। उसके मोबाइल की जांच करने पर लिबर टैक्स 9 नामक एप्लीकेशन मिली। इस एप्लीकेशन में वह अन्य जुगारियों को आईडी देकर सट्टा खेल रहे थे, जिसमें एक आईडी राजू अन्ना नामक व्यक्ति को दी गई थी। इसके चलते पुलिस ने अनिल मंगवाणी के साथ राजू अन्ना के खिलाफ मामला दर्ज किया और राजू अन्ना को वांछित घोषित किया। अनिल चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच पर सट्टा खेल रहे थे। उसके एप्लीकेशन में 2.4 लाख रुपए का बैलेंस भी देखा गया। साथ ही उसके पास से जुआ के 12,700 रुपए भी मिले। इसके चलते पुलिस ने उसके दो मोबाइल और नकदी जब्त की। पार्टी तिगरा के दीपक कुमार देसाई का मुंबई में सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज ने सम्मान किया। मुंबई अंधेरी वेस्ट में क्लासेस क्लब में गौ भारत भारती और मधुर फिल्म्स द्वारा हाल ही में वृंदावन के सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज के प्रवचन और सत्संग का आयोजन किया गया था। इस समारोह में पार्डी तालुका के तिगरा गांव के दीपक कुमार गुलाब भाई देसाई को सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज द्वारा आशीर्वाद स्वरूप सम्मानित किया गया था और सद्गुरु द्वारा दीपक कुमार देसाई को शाल उठाकर गौ माता का प्रतीक चिन्ह अर्पित किया गया था। दादा साहेब फाल्के सहित 12 पुरस्कार प्राप्त करने वाले दीपक कुमार देसाई के सम्मान में इस तरह एक और पृष्ठ जोड़ा गया है। इसके लिए दीपक कुमार देसाई ने सद्गुरु रितेश्वर महाराज को प्रणाम के साथ आभार व्यक्त किया था और सद्गुरु अपने दिव्य वाणी से पूरे भारत वर्ष को मार्गदर्शन करते रहे, ऐसी शुभकामना व्यक्त की गई थी। वृंदावन के सद्गुरु रितेश्वर महाराज का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा सम्मान किया जा चुका है। इस आशीर्वाद स्वरूप सम्मान में दीपक कुमार देसाई ने गौ भारत भारती के अध्यक्ष संपादक संजय अमान, विजय पाल सिंह, प्रकाश तिवारी, मधुर, विशाल भगत और फिल्मोरा कंपनी के अखिलेश सिंह का आभार माना और उन्हें शुभकामनाएं भेजी थी। मैं अंधेरे वेस्ट क्लासिक क्लब में गो भारत भारती और प्रकाश मधुर फिल्म द्वारा सदगुरु वृंदावन के सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के सम्मान में और उनका प्रवचन का सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वो कार्यक्रम में सदगुरु वृंदावन के सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जी का प्रवचन
और सत्संग हुआ था और वो समारोह में सदगुरुदान के सदगुरु श्री नितेश्वर जी महाराज द्वारा मुझे आशीर्वाद रूपी सम्मान प्राप्त हुआ। और ये सम्मान के लिए मैं वो भारत भारती के अध्यक्ष श्री संजयवन जी, प्रकाश तिवारी मधुर और फिल्मोरा कंपनी के अखिलेश सिंह जी का आभारी हूँ, उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सम्मानित श्री नितेश्वर जी महाराज की दिव्य, वो खुद अपनी दिव्य वाणी से पूरे भारतवर्ष को मार्गदर्शन करते रहे, ऐसी मेरी उनके प्रति शुभकामना है और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वापी टाउन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा सामान्य चुनाव के अनुसार कानून व्यवस्था बनी रहे इस उद्देश्य से वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला के निर्देश और LCB PI के मार्गदर्शन में LCB पुलिस टीम पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान मिली सूचना के आधार पर वापी के पास चला मुक्तानंद मार्ग स्थित रुद्राक्ष अपार्टमेंट के वर्णवेल फ्लैट में छापा मारा गया, जिसमें चार व्यक्ति जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और पुलिस ने पूछताछ करते हुए फ्लैट मालिक केयूर नरेंद्र भाई जोशी, रमजान अली, मंजी भाई हिरानी, नंदलाल जूरीलाल गुप्ता और यूनुस अजीत मिठाणी होने की जानकारी दी। पुलिस ने जुआ सामग्री और मोबाइल फोन जब्त किया और जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वापी टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। 3D प्रदेश भाजपा द्वारा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के संकल्प पत्र की घोषणा मीडिया के माध्यम से की गई। भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली और दमन दीव क्षेत्र में आज मीडिया के माध्यम से राज्य के दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के घोषणा पत्र की घोषणा की है। आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दमन दीव के उम्मीदवार लालू भाई पटेल की उपस्थिति में दीव जिले में घोषणा पत्र जारी किया गया। उनके साथ दीव जिला प्रमुख मोहन भाई लक्ष, चुनाव प्रभारी BM माची और राज्य के सभी अधिकारी, सभी चुने हुए जन प्रतिनिधि और मंडल और जिला के अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में दमन जिले में प्रदेश प्रमुख दीपेश टंडेल, प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन भाई पटेल, दमन जिला भाजपा प्रमुख SP दमनिया मजीद लधाणी सहित कई नेता उपस्थित थे। दादरा नगर हवेली लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कलाबेन डेलकर की उपस्थिति में सिलवासा के अटल भवन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यह प्रस्ताव पत्र जारी किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका प्रमुख रजनी शेट्टी, दानहा जिला पंचायत प्रमुख दामजी कुराडा, प्रदेश महासचिव सुनील पाटिल, दीपक प्रधान आदि उपस्थित थे। प्रश्न छे, अमे आ संकल्प पत्र में स्पष्ट रीते लिखू छे अने अमे आवनारा 2025 में लोको पासे नगरपालिका जिला पंचायत ना सरपंच नो मत मांगना पहला आनु अमलीकरण करीशु अने आज आर्थिक सत्ता चूंटायेला जनपति ने आपवानी छे अने एने आपी अने पछी ज अमे लोकोनी समक्ष जईशु। अमे 47 मुद्दा रजू कर्या छे, परंतु तमारी समक्ष जे 5 महत्वना मुद्दा छे एनी चर्चा करी लईश। सौथी प्रथम जो दादरनगर अने दमन दीवमां चूंटायेला जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला पंचायतना सदस्य अने नगरपालिकाना काउंसिलर आ लोकोने अधिकार प्राप्त थाय ते विषय पर पहेलू कार्य करीशुं। अमारी त्यां जे 2 मुख्य बीच छे, चंपोर अने देवका, तो स्थानिक लोकोने त्यां रोजगारी मळे जे रीते ए लोको पहेला एक अनऑर्गनाइज वेमां लारी चलावता तेना बदले एक अत्यंत आधुनिक अने आंतरराष्ट्रीय कक्षानी स्टॉल बनावीने एमने रोजगारनुं सर्जन थाय ए माटे कार्य करीशुं। जे ग्रुप सी अने डी नी निमणूक छे, चाहे ते पोलीसमां होय, शिक्षामां होय, क्लार्कमां होय, ड्राइवरमां होय, आ ग्रुप सी अने डी नी निमणूकमां
स्थानिक लोगों ने निमणूक थाय ये कार्य करीशु। अहीं जे मीटना समाज अने माची समाज मोटी संख्या में रहे ए समाजना घणा लोकोने घर अने जमीन पोताना नाम पर न हता एवी एक टेक्निकल डिफिकल्टी थी, तो 20 वर्ष थी वधु समय अगर ए लोको त्यां रहता हशे तो एमने पुनः त्यां वसवाट थाय ए नियमबद्ध तरीके वसवाट थाय उस विषय पर हम विश्वास के साथ कार्य करेंगे। तो ये हमारा महत्व के बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि यहाँ के स्थानिक लोगों का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय है होटल बार और रेस्टोरेंट। ये होटल बार रेस्टोरेंट वालों को रिन्यूअल के लिए हर साल पुलिस टूरिज्म हेल्थ ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है और हर साल उनको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये रिन्यू की जो अवधि है ये जो ड्यूरेशन है रिन्यू का एक साल, उसके जगह हम ये रिन्यू का अवधि को 5 साल की करेंगे। और जो इंडस्ट्रीज में जो हमारे स्थानिक लोग हैं उनका रोजगार मिले ये प्राधान्य करेंगे। थैंक यू। ये जो रिन्यूअल्स और यहाँ पे होटल बार और रेस्टोरेंट के रिन्यूअल्स पहले एक साल में हुआ, लेकिन जो ई सब डूइंग का हमारा संकल्प वही मैं बता रहा हूँ कि रिन्यूअल्स जब एक साल की जगह 5 साल का आएगा तो अपने आप जो बड़े बड़े सेगमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े जो टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो अपने आप आज आप देखोगे महाराष्ट्र में ये अवधि 5 साल की है और 5 साल की अवधि होने की वजह से ही बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उसके तरफ से आते हैं। और दूसरा हमने बहुत किया हुआ है कि हम यहाँ पे आने वाले दिनों में आईटी हब फूड पार्क और नॉन पॉल्यूशन यूनिट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। हार्दिक स्वागत करू छू। आज दादरा नगर हवेली दमण दीव प्रदेश ना तरफ थी बल्ले सीट पर पोताना मैनिफेस्टो की घोषणा करवामां आवी रही छे। दमण में सवारे 11 वागे थयुं, दीव में भी 11 वागे करवामां आव्युं अने आजे दादरा नगर हवेली में अपना प्रत्याशी श्रीमती कलाबेन डेलकर माटे थईने अमे आजे अहीं दादरा नगर हवेली सीट माटे मैनिफेस्टो की घोषणा करवा जई रह्या छीए। आपणी वच्चे उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश टंडेलजी नुं हार्दिक स्वागत करू छू। તેમજ દાદરા નગર હવેલીના અમારા ઉમેદવાર શ્રીમતી કલાબેન ડેલકરનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તેમની સાથે ઉપસ્થિત અમારા પૂર્વ સાંસદ શ્રી નટુભાઈ પટેલ એમનું સ્વાગત કરું છું। જે લોકોની સામે અમે ગયા છીએ, જે સમસ્યાઓ જે અમારી સામે રાખી છે ને એ જ અમે સલાહપત્રમાં લીધું છે। પહેલી જવાબદારી મારી રહેશે કે તે જે અમે મેનિફેસ્ટોમાં જે 32 મુદ્દાઓ લીધા છે એક એક મુદ્દાનું સમાધાન થાય એના માટે અમારી પૂરી ટીમ છે। જ્યાં જરૂરત હશે ત્યાં બધાની એ લઈશ ને ત્યાં અમારા જે દિલ્હી લેવલે જ્યાં પાર્લામેન્ટમાં રજૂઆત કરવાની હશે હું જરૂર ત્યાં કરીશ। જ્યાં આપણા મિનિસ્ટર કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે પણ હશે એમને મળીને કન્વિન્સ કરવાની કોશિશ કરીશ કે આજે પ્રદેશના ઘણા બધા એવા મુદ્દાઓ છે કે વર્ષોથી જૂના પડેલા છે એ બધા જ મુદ્દાઓનું અમારું સમાધાન થશે અને 5 વર્ષનો અમારી સામે ગાળો હશે। બધા જ મુદ્દાઓ અમે આજે તમારી સમક્ષ વાત કરીશ, આશ્વાસન પણ આપીશ કે અમારી બધાની જ કોશિશ રહેશે કે એમાં વધારેમાં વધારે મુદ્દાઓનું સોલ્યુશન થાય અને લોકો સુધી ફેસિલિટી પહોંચે અમારો પ્રયાસ રહેશે। वलसाड कोली पटेल समाज प्रगति मंडल और श्री चंद्र मौलेश्वर महादेव जी संस्थापन ट्रस्ट द्वारा आयोजित वलसाड के विधायक भरत भाई पटेल की प्रेरणा से संपन्न 8वें सर्व जातीय समूह विवाह में गुजरात के कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस समूह विवाह में 111 जोड़े ने विवाह के फेरे लिए, उपस्थित अग्रणियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही कन्यादान भी किया गया। सर्व जातीय समूह विवाह से समाज के सभी लोगों को लाभ होता है और आज के महंगाई के समय में यह उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इस अवसर पर हेमंत भाई कंसारा के साथ धवल पटेल, विधायक जीतू भाई पटेल, महामंत्री कमलेश पटेल, शिल्पेश देसाई आदि उपस्थित थे। અને પરિવારને આર્થિક રીતે કે કેટલો ફાયદો થાય છે સમૂહ લગ્નમાં ભાગ લેવાથી? જો આજે સર્વનાથી સમૂહ લગ્નમાં અગાઉ કઈ ટાઈમ અમારા કન્વીનર નીતિનભાઈ છે એમના સહયોગ મહત્તમ રહ્યો છે, પણ આ
તમે કેવી રીતે પ્રમાણે સર્વનાથી સમલગ્ન આજની તારીખમાં 1,011 થી 1,015 છોકરી અમે પરણાવી દીધી છે. એટલે પણ મારા અનુભવ પ્રમાણે 8 સર્વનાથી સમલગ્નમાં જે જે દીકરી પરણાવી છે, મારા ઘણા ભાગની દીકરીઓ મારા ટચમાં છે, એમની ઘરે પણ હું ગયો છું અને વધુ સુખી છે. એમના મા બાપ અને પરિવાર અને એમના તરફથી મને એટલું ચોક્કસ કહ્યું કે દીકરા તમને જે અમે જે સર્વનાથી સમૂહમાં ભાગ લીધો એને ત્યાં માટે આર્થિક રીતે ખૂબ ફાયદો થશે, અમારા પૈસા બચ્યા છે, અમારા દીકરા દીકરી બધા સુખી છે. એટલે સમાજને, સમાજના પરિવારને અને ગરીબ પરિવારની કન્યાને ખૂબ ફાયદો થયો છે એટલું નિશ્ચિત છે. સાથે સાથે દરેક કન્યાને અમે સરકારની યોજના છે કુંવરબાઈનું મામેરુના 12,000 સર્વનાથી સમૂહ સાત્ર યોજનાના 12,000 એ સરકારી યોજનાનો પણ અમે લાભ અપાયો. વલસાડ ડાંગ લોકસભા ચુનાવ કે ચલતે પુલિસ સતર્ક હૈ ઓર આને વાલી 7 મઈ કો પાડી મે મતદાન હોને વાલા હૈ. મતદાન કે ચલતે કાનૂન ઓર વ્યવસ્થા બનાઈ રખને ઓર શાંતિ બનાઈ રખને કે લિયે પુલિસ ને પાડી ક્ષેત્ર મે ફ્લેગ માર્ચ કિયા. જિલ્લા પુલિસ અધિક્ષક કે નિર્દેશ અનુસાર પાડી પુલિસ સ્ટેશન કે PI GR ગઢવી કી ટીમ ઓર RPF के जवानों ने फ्लैग मार्च किया. पार्टी 4 रास्ता से बाजार चीवल रोड तलाव की पाल दमनी जापा से होते हुए 4 रास्ता आदि रूट पर निकले. चुनाव की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है. लोकसभा के सामान्य चुनावों में मतदाता निर्भयता से मतदान कर सके इसके लिए RPF के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया गया. વલસાડ મે સાઈ ફૂટવેર વેપારી IPL પર ઓનલાઈન સટ્ટેબાજી કરાતે પોલીસ ને છાપા મારકર એક કો દબોચા એક કો વોન્ટેડ. નાનકવાડા પાર્ટી કે તીઘરા કે બાદ અબ વલસાડ નાની ખત્રીવાડ મે પોલીસ ને સતોડીઓ કો પકડા હૈ. पाड़ी तिगरा के दीपक कुमार देसाई का मुंबई में सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने सम्मान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा सम्मानित सदगुरु द्वारा दीपक कुमार देसाई को गौ माता का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया. वापी चला में फ्लैट मालिक सहित 4 जुवारी जुआ खेलते हुए ₹56,000 के सामान के साथ पुलिस ने दबोचा. तो ये थी अब तक की खबरें. फिर मिलते हैं और खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए तमन न्यूज़. नमस्कार.